इस महंगाई के दौर में अगर आपके सर पर अपनी खुद की छत हो तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। इमेजिन कीजिए कि आप जिस घर में रहते हो, जहां आप बड़े हुए, जहां आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो घर एक दिन आपसे कोई छीन ले और आपको दर बदर की ठोकरें खाने पर छोड़ दे। मतलब आपका अपना घर होते हुए भी आप रेंट के मकानों में धक्के खा रहे हो। ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई के हुजरा मोहल्ला के लोगों के साथ। हुजरा मोहल्ला के कुरैशी मंजिल की शगुफ्ता शेख और वहां की अराउंड 30 फैमिली को बिल्डर ने टावर का वादा करके घर से निकलने पर मजबूर किया। शगुफ्ता शेख ने बिल्डर पर भरोसा करते हुए अपने खुद के घर को बिल्डर के हवाले करके भाड़े के घर में मूव हो गई, जिसका रेंट देने का वादा बिल्डर ने किया था। इस बात को अब 11 साल हो चुके हैं, 11 साल और आज भी उनके घर का कुछ नहीं हुआ। बिल्डर ने रेंट देना भी बंद कर दिया है। शगुफ्ता शेख की बिल्डिंग को बिल्डर ने कोलैप्स तो कर दी, पर वहां टावर नहीं बनाया। अब उस बिल्डिंग की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करके रखा है। शगुफ्ता शेख पिछले 11 साल से अपने घर के इंतजार कर रही है। आइए बात करते हैं शगुफ्ता शेख से। मेरा नाम शगुफ्ता शेख है और मैं JJP अभी किराए पे रह रही हूँ। हमारी 2010 मार्च में हमारे स्काई हाई बिल्डर से एग्रीमेंट हुआ था। जो हमारी बिल्डिंग है नागपाड़े पे है, दो बिल्डिंग थी, कुरैशी मंजिल और पालोबा बिल्डिंग। मैं कुरैशी मंजिल की टेंडेंट हूँ, रूम नंबर 24 था मेरा। और उस बिल्डर ने हम लोगों से एग्रीमेंट किया था कि 3 साल में मैं आप लोगों को रूम बना के दे दूँगा। एग्रीमेंट कब किया? 2010 में एग्रीमेंट किया था और 2013 में उसने देने की बात की थी हम लोगों से कि मैं आप लोगों को 2013 में पोजीशन दे दूँगा, और अगर पोजीशन नहीं मिलता है तो उस वक्त तक मैं रेंट दूँगा। जब तक आपका घर नहीं बनता उस वक्त तक मैं आपको रेंट दे दूँगा। आज 11 साल हो गए बिल्डिंग को। 2018 तक का उसने हम लोगों को रेंट दिया, उसके बाद 19, 20, 21 अभी चल रहा है, 3 साल का रेंट दिया नहीं हम लोगों को। बहुत परेशान है हम लोग, घर का किराया भरना पड़ता है, बच्चों की फीस है, और एक तो कोरोना वायरस की वजह से काम धंधा कुछ है नहीं। कितने टेनेंट है वहाँ पे? मतलब आप लोग के मतलब 30, 40, 50 कितने टेनेंट? हम लोग दोनों बिल्डिंग मिला के 50 टेनेंट्स है। और रेंट सबको मिलता है बाकी लोगों को? नहीं, रेंट किसी को 2018 तक का मिला है, उसके अलावा किसी किसी को तो 14 तक का मिला है। कि रेंट के मामले में बिल्डर ने बहुत चीटिंग की है, किसी को देता है किसी को नहीं देता है। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उसकी पहले से रही है, टेनेंट्स में उसने फूट डाल के रखा हुआ है। ये जो आपके जो सोसाइटी मेंबर है 50 टेनेंट है आप बोल रहे हैं, तो 50 टेनेंट में से कुछ बिल्डर से डील करने के लिए या बिल्डर से मीटिंग वगैरह बातचीत करने के लिए कोई मेंबर सिलेक्ट होंगे, मेंबर्स होंगे कुछ? हाँ, 6 मेंबर्स है जो सिलेक्ट किए हैं हम लोगों ने, और वो लोग बिल्डर के कांटेक्ट में हैं। लेकिन 2018 से वो लोग भी है ना खुल के कुछ बात बताते नहीं है। उन लोगों से कुछ सवाल भी करो तो वो लोग जवाब देते नहीं है। ग्रुप हम लोगों का बना हुआ है ऑल टेनेंट ग्रुप का, और मैं ग्रुप में ही उन लोगों से पूछती हूँ। यहाँ इंटरव्यू आने से पहले भी मैंने उन लोगों से सवाल किया था कि भाई क्या काम हो रहा है बिल्डिंग का, लेकिन किसी ने कुछ जवाब दिया नहीं। अभी 22 अप्रैल को असल मकड़ा वाले की डेथ हो गई है। वो जिम्मेदारी उठाए थे कि मैं रमज़ान के बाद है ना बिल्डिंग का काम शुरू कर दूँगा, लेकिन अभी उनकी डेथ हो गई, उसके बाद क्या होने वाला है। 11 साल से तो हम लोग है ना बहुत परेशान है, बिल्डिंग का ना कुछ फाउंडेशन हुआ है ना हम लोगों को रेंट दे रहा है, बहुत परेशान करके रखा है बिल्डर्स ने हम लोगों को। ये असलम लकड़ा वाला जो आप बोल रहे हो, ये बिल्डर है या कौन है? ये 4 बिल्डर है, मिस्टर अबूबकर कासम थे, असलम लकड़ा वाला, अब्दुल करीम खान और जफर सिद्दीकी। हम लोग सिर्फ जफर सिद्दीकी को जानते थे 2018 तक, क्योंकि वो हम लोगों को रेंट देते थे और बहुत परेशान करते थे। फिर उसके बाद ये चारों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई हम लोगों को कुछ पता नहीं है। ये 6 मेंबर्स भी उनके कॉन्टेक्ट में, उन लोगों से क्या बात करते हैं वो भी हम लोगों को कुछ पता नहीं है। बाकी जो टेनेंट्स हैं उन लोगों का क्या कहना है? उसमें से कुछ टेंडेंस है जो मेरे साथ है, लेकिन अभी COVID-19 चल रहा है और घर में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से वो लोग मेरे साथ अभी आए नहीं है। और बिल्डर ने आपको जो कमिटमेंट दिया था 2013 तक, आपको 36 मंथ में, इसमें लिखा है 36 मंथ में आपको मतलब फ्लैट पोजीशन देगा, आपको ऑक्यूपाई करेगा परमानेंटली, लेकिन उसने अभी तक दिया नहीं है। तो इसके लिए आपने कुछ आगे ऑब्जेक्शन उठाया या कहीं गए?
मैं 2017 में पुलिस में कंप्लेंट की थी। ये एफआईआर कॉपी है। हाँ, ये एफआईआर कॉपी है मेरी। 2017 में मैं सीएसटी में पर्सनली जाके ना मुंबई कमिश्नर से मैंने मुलाकात की और उनसे ना अपना मैटर बताया। ये क्रिमिनल केस नहीं हुआ, ये सिविल मैटर हुआ। तो सिविल मैटर के लिए आप कहाँ गए, किससे बात करें? सिविल मैटर के लिए मैं अमीन पटेल भाई के पास भी हम लोग गए थे, मैंने एप्लीकेशन दी थी उनको भी। अमीन पटेल आपके एरिया के एमएलए हैं? हाँ जी हाँ, अमीन पटेल हमारे एमएलए हैं। तो उन्होंने क्या था, आपको आश्वासन दिया या बाद में कुछ मीटिंग लिए या आपका कुछ रिप्लाई दिए, मिले नहीं मिले? अमीन पटेल भाई हालांकि हर चीज़ में बहुत कॉपरेटिव है, लेकिन जब ये बिल्डिंग का मैटर आया है, जब से मैं उनको रिटर्नली बहुत कंप्लेंट कर चुकी हूँ और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो ये मैटर पे पर्सनली देखे, क्योंकि अब इतनी हालात ख़राब हो गए कि हम लोग अभी जीने के से काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि रेंट के किस तरह से हम लोग जिए जब हमारा घर ही छीन लिया गया है। 11 साल से हम लोग परेशान हैं। अभी उस जगह पे कौन है? वहाँ पे अभी उन लोग है ना बकरे हैं, पालते हैं वहाँ पर साइट पे, और ये उनसे पूछो बकरे वालों से तो वो कहते हैं कि बिल्डर ने हमको परमिशन दिया है रहने के लिए यहाँ पे, और एक बकरे का 5,000-6,000 रुपया बिल्डर लेता है उन लोगों से। ये बिल्डर ने वो लैंड टेम्प्ररी किसी को रेंट पे दिया हुआ है, और आप लोग सब एक ही जगह पे हैं या अलग अलग कहीं और रहते हैं? एक्चुअली हम लोग जितने भी टेंडेंट्स हैं सब माइग्रेट हो गए, कोई मीरा रोड में है, कोई मुमरा में है, कोई गुजरात में है, यानी कोई एक जगह पे है नहीं, जिसका बिल्डर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। रेंट फिक्स है आपको या सबका अलग अलग रेंट है? रेंट है ना 2015 तक उसने 1,20,000 दिया, फिर उसके बाद 1.5 लाख रुपये किए थे उसने। अभी 2018 तक का रेंट दिया है मुझे तो, लेकिन 19 से रेंट बिल्कुल बंद है, 19-20 अभी 21 चल रहा है, और ना बिल्डिंग का काम करता है और ना हम लोगों को कुछ है ना आगे होके कुछ बताता है कि क्या करने वाला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है बिल्डिंग की। ये जो रेंट के सिलसिले में आप बिल्डर के ऑफिस पे गए थे, बात करे थे आप और आपके टेनेंट लोग कोई? हम लोगों की लास्ट मीटिंग मोइन हॉल में हुई थी, जहाँ उसने नया डेवलपर लेकर आया था, हम लोगों को मिस्टर मिंकल से मिलाया था कि भाई ये अभी बनाने वाले हैं तुम लोगों का, लेकिन वो पर्सन भी बोलता है कि मेरे नाम पे किए नहीं उन लोगों ने कुछ, मैं आगे बढ़ के कुछ बना नहीं सकता हूँ, यानी कुछ खुलासा खुला हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। तो उसका भी कोई एग्रीमेंट वगैरह आपको शो करे? उसका कुछ एग्रीमेंट है नहीं हम लोग। मेरी अमीन भाई से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप कोविड के वक्त लोगों की मदद करें, हमारे एकोमोडेशन के लिए भी हमारी मदद करें, हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हो जाए। घर खरीदने के लिए लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है और बहुत से लोग अपने पेट काट के पैसे बचा के ज़िंदगी भर की बचत से कोई घर बना पाते हैं, तो इनका अपना घर था जो काफ़ी पुराना था, जिसे बिल्डर ने रीडेवलपमेंट के लिए लिया था और रीडेवलपमेंट का जो इनको कमिटमेंट दिया था 2010 में एग्रीमेंट बनाया था, 36 महीने में पोजीशन देगा परमानेंटली, ऐसा इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक तो इनको मिला नहीं है। मैं इकबाल जुबेरी, डोंगरे एक्सप्रेस।